mi se piare cot, 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 zara. Pula e pe o mai god. Mi se nime vă hit o zi-mi-a dat. Pe noli cu jurati mi se rușa. नीचे बैठे हुए बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। आदत डाल आदत डाल ले। मेरी जान मेरी जान मेरी जान बहुत ही गंदा गया। एक्शन। आज से दादी से बात करूंगी मैं। कट 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 लाइट 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 कट है क्या पे कट है एक बार और लेंगे लिपसिंग नमस्ते ए हाय एवरीवन दिस इज मी किस्मत कारा वेलकम बैक होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन सो गाइस 3 to 4 months से मेरे व्लॉग्स इतने आ नहीं रहे हैं लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही नेहुदी का रिक्रिएशन वाला वीडियो पोस्ट किया था हल्दी वाला एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट और आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि मैं आलिया मैम का रिक्रिएशन करूं आलिया भट्ट मैम का लेकिन इस बार ना मैम की गंगूबाई वाली एक्टिंग देख के ना मैम मैम की फ़ैन ही होगी मतलब टू मच प्यार और गाइज जैसे हमने मैंने आपको बताया आपको पता लग ही गया होगा आज हम किसका रिक्रिएशन करने वाले हैं गंगूबाई का आपको मेरे हेयर्स देख के भी पता लग जाएगा एंड गाइज ये रिक्रिएशन वापस इम्पॉसिबल था शीशम लहंगा हाउस के बिना वो मतलब भावना मैम मुझे ड्रेसेस अरेंज करके तो देते ही देते हैं लेकिन मैम की सुपर एडवाइस मेरा सुपर काम कर जाती है एंड वापस आप जगह देख के पहचान गए होंगे हम वापस आ गए हैं दिव्या दी पास नंदिनी सैलून पे एंड दिव्या दी के बिना भी ये रिक्रिएशन इम्पॉसिबल है और लास्ट में सबसे मेन पर्सन आते हैं हमारे सुपरमैन दी बुकल हज़ारा दी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उनके जैसा काम और कोई कर नहीं सकता है एंड ये रिक्रिएशन ना अभी तक का सबसे टफ रिक्रिएशन है गाइस क्योंकि इसमें 2 to 3 लुक्स लाइक चेंज है ना ड्रेसेस आउटफिट मतलब हेयर ड्रेसेस एंड बहुत सब कुछ है एंड मैं आपको एक बार सामान भी दिखा देती हूँ मतलब इतना ज़्यादा सामान कभी मेरे रिक्रिएशन में यूज़ नहीं हुआ है जिस मतलब इस बार जितना हुआ है और इस रिक्रिएशन के लिए हमें बहुत भागना भी पड़ा है बहुत सारे सामान इकट्ठा करना पड़ा है और मतलब ये अभी तक का ना सबसे एक्सपेंसिव सबसे टफ और सबसे भागी दौड़ी वाला रिक्रिएशन है लेकिन आपको देख के ज़रूर मज़ा आएगा जैसे हमारे सुपरमैन हमें कह रहे कि किस्मत इसमें हम जान दे देंगे और मैं आपको सामान दिखा देती हूँ हमने क्या क्या अरेंज किए हैं आ जाओ सो सबसे पहले आता है हमारा ये गंगूबाई वाला माइक जो उन्होंने भाषण में यूज़ किया था एंड उसके बाद ये दो बैग्स हैं उनमें है जितना भी अगर आपको याद हो मैम ने एक फ़ोटो क्लिक करी हुई है जिसके नीचे ग्रीन बेडशीट है तो वो ग्रीन बेडशीट हम सेम अरेंज करके लेकर आए हैं एंड ये सारी आउटफिट्स हैं और फिर हम आपको इधर लेके आते हैं ये रेड वाली है मैम ने एक फ़ोटो में क्लिक करी हुई थी जब मैम बोल रहे थे मतलब आपको पता लग जाएगा आगे तो ये वो रेड चुन्नी है और अलता ये सारी ज्वेलरी है गाइस ये सिर्फ एक भाषण में यूज़ हुई मतलब हुई है वो वाली ज्वेलरी है और ये बैंगल्स हैं हमने ना सेम बैंगल्स अरेंज कराए जैसे मैम के 3 ग्रीन थी 3 रेड थी और उसके बाद ये एक एक बैंगल थी है ना ये जो कड़ा जिसको अपने कहते हैं ये थी हमने सेम अरेंज करा है एंड फिर आता है हमारा ये शिकागो रेडियो जब मैम ने भाषण दिया था तो मैम के माइक पे ये लगा हुआ था तो हमने ये सेम सेम बनाया है गंगू चांद थी चांद है और फिर ये सारा मैम की पायलें हैं जो मैम ने पहनी हुई थी बहुत मोटी पायलें मैम ने पहनी थी सो ये वो पायल हैं आपको दिखा देती हूँ मैं और फिर आता है ये ज्वेलरी है गाइस नीचे जितनी भी है और ये मैम की जितनी साड़ियाँ हैं साड़ीज़ हैं वो और मैंने बाकी तो दिखाई दिया और ये अम्ब्रेला जो मैम सबसे पहले जो मैम आते हैं लाइक अम्ब्रेला खोल के कार से सो ये वो वाला अम्ब्रेला बिल्कुल ब्लैक हम सेम लेकर आए हैं सो या That's it. और ये फ्लावर्स ये तो हम कैसे भूल सकते हैं फ्लावर्स और रेड फ्लावर्स जो मैम ने हेयर में हेयरडू में लगाए हुए हैं ढोलीड़ा में भी लगाए हुए हैं एंड फिर आती है हमारी मेन गंगूबाई की वो बिंदी और ये रेड बिंदी है जो मैम ने लगा रखी है या दैट्स इट और अगर कुछ सामान रह भी गया होगा तो आपको आगे जाके पता लग जाएगा और सो या ओ ए
एक चीज़ और बोलगी, वो वहाँ पर ही है, लेकिन जो मैम ने वो गजरा लगाया हुआ था और मैम की जो माला है हमने वो भी सेम रेडी करवाया. सो यार दैट्स इट. और अब हम रेडी होने जाते हैं. सबको कहते हैं कि हमें रेडी कर दो क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया. और ये रिक्रिएशन में ना, क्योंकि पता है ये क्यों टफ है गाइस, क्योंकि इसमें रील्स तो हैं ही, रिक्रिएशन भी है ही फोटोज़ का, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम एक मूवी का सीन रिक्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फ़ोटोज़ में तो देखो एडिटिंग चल जाता है, लेकिन वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होता है. सो वीडियो के लिए हमें बैकग्राउंड भी सेम चाहिए, है ना, सब कुछ. और वैसे तो मुकुल भैया मुझे विश्वास से संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डर लग ही रहा है. क्योंकि देखो गंगू भाई एक, मतलब मैम की एक्टिंग, मैम का बोलने का वे इज़ लाइक सुपर्ब. तो हम उसका रिक्रिएट करने जा रहे हैं. सो होप सो, फिंगर क्रॉस है ये रिक्रिएशन बहुत अच्छा और आपका बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिले. चल अब हम बोलते हैं उनको जाके हमें रेडी करें. ठीक, बाय, मिलते हैं रेडी होते हुए. ओके बाय. नशीली इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आ कर ले नशा. दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आ कर ले नशा. मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. गहरा नशा पैमानों का, इनमें ही दो डूबना चाहे दिल मेहमानों का. तेरी खातिर है तोड़ा ये ख्वाब दीवानों का. हाय मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान. बंगाली गुजराती मिक्स रिक्शा में निकली पर लेना तो रिस्क है. मिर्ची
तीखी 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 मामला है रेस की, चांद का टुकड़ा है चेहरा पर बंद रखती प्यार की खिड़की हो मेरी मिर्ची, रुको ना मिस या मिस यू मिस या तुमको मिस बना रहा हूँ। बोली रहा हूँ सीखी की बोली रहा हूँ हमारी पैसे खत्म हो गया है बोली रहा हूँ बस अब तो सीखी अपनी है नीचे बैठे हुए बहुत अच्छी लग रही है। आदत डाल आदत डाल ले। सो जोक्स अपार्ट, लेकिन गाइज ये हमारा फर्स्ट लुक है, देखने में थोड़ा सा भूतनी वाइब्स आ रहा है, लेकिन आपको फोटो में पता लग रहा होगा हर एक चीज हमने सेम करने की ट्राई करी है। कुल भैया की भी बहुत मेहनत लगी है, नंदिनी दी ने जैसे रेडी किया हमने लगभग सेम करने की ट्राई किया है। मैं आपको सारे लिंक्स वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही क्योंकि इन सब की इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना कि मेरे एक शॉट के लिए पीछे इतनी मेहनत होती है। एंड आप लाइक बेडशीट से लेकर हमने सब कुछ सेम करने का ट्राई किया है। एंड जैसे मैम के बैंगल्स थे, मैम की रिंग्स थी, मैम की पायलें, क्योंकि जैसी पायलें थी हमने वैसे ही करने का ट्राई किया। ये देखो मैं नाचू आज छम 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 हाय। सो या और होप सो ये हमारा फर्स्ट रिक्रिएशन फोटो था, एंड आपको अच्छे लगे और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा लुक सबसे बेस्ट लगा। सो गाइज ये है हमारा सेकेंड लुक। आपको मेरा चेहरा बहुत ही थका थका लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी हमारा पैकअप हो गया हमारे सेकेंड लुक का। तो लग गए रिक्रिएट किए हैं। एंड प्लस सबसे जो मेन पार्ट मैं आपको बता भी रही थी स्टार्टिंग में, हम इस फिल्म का एक शॉर्ट जिसको कहते हैं ना एक छोटा सा पार्ट रिक्रिएट करने वाले थे, वो था भाषण वाला पार्ट। एंड वो हमने रिक्रिएट कर लिया है, सो आपको वो भी देखने को मिलेगा, और जो टू फोटोज़ हैं वो भी रिक्रिएट करने को मिली थी।
इस वाले रिक्रिएशन में ना इन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी, वही सेम बैंगल्स, और बस ये फ़र्क था कि इसमें जूड़ा आ गया था ऊपर सिर पे चुन्नी, और बाकी में ऐसा नहीं था। और आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो जब हम घर जाएंगे वहाँ शूट करेंगे तो आपको साथ साथ बता भी देंगे। अब चलते हैं घर, बाय बाय, घर मिलते हैं। जैसा भी हुआ प्लीज लास्ट वाला आप देख लीजिएगा, जो डांस वाला जो मैंने आपको सरप्राइज वीडियो कहा था। बाकी जो लास्ट लुक था वो बहुत सिंपल था, उसमें हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं था, जैसा था जूड़ा था, साड़ी जो हमने फर्स्ट लुक में वियर करी थी वही थी। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और आप इसको जितना प्यार दे सकते थे, बिकॉज ये सबसे हमारे लिए सबसे टफ वीडियो था, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगा और एक्सपेंस लगा, एक्सपेंस की भी बहुत दूर की बात है, सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और बस आप ढेर सारा प्यार दो, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और मम्मा मैं तो अभी इतना रो के हटी हूँ लिटरली, अगर आप मुख बहन अगर वो वीडियो बनाई होते ना तो आप देख के हंसते। एक तो मैं रोती बहुत गंदा हूँ, और ऊपर से मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ कि बस आप मेरी आँखें देखो। So yeah, that's it guys, that's it for today's video, and bye, love you so much, और ta-ta!